मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के बाबू को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने निलंबन की बहाली करने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। 5,000 रुपए वह पहले ले चुका था, अब 10,000 ले रहा था, तभी रीवा लोकायुक्त ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक रवि शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह सहायक शिक्षक संबंध कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी हनुमना में पदस्थ था। उसे किन्हीं कारणों से निलंबित कर दिया गया था। इस सिलसिले में वह रीवा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा था, तभी उसे वहां विजय शर्मा सहायक ग्रेड 3 स्थापना शाखा 3 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मिला, जिसने निलंबन से बहाली कराने की बात कही। साथ ही इस काम के बदले 50,000 रुपये की मांग की। बातचीत के दौरान ही उसने रवि से 5,000 रुपये ले लिए थे, बाकी रकम बाद में देने पर सहमति बनी थी। रवि ने इस बात की शिकायत लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने छानबीन के बाद ट्रैप की तैयारी की। योजना अनुसार शिकायतकर्ता रवि शुक्ला को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुपये लेकर भेजा गया। जैसे ही उसने 10,000 रुपये लिए, लोकायुक्त की टीम ने आरोपी विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है।